हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज योजनाओं का लाभ इतने कारगर ढंग से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा है कि विकास और सामाजिक सुरक्षा के पैमाने पर इसने देश के अग्रणी राज्य का मुकाम हासिल किया है। पंचायतों की उपलब्धियों से गांवों की गरीबी दूर हुई और उसके जनजीवन में खुशहाली बढ़ी है। कुल्लू जिले की पनगांव ग्राम पंचायत ने तो विकास के साथ सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से अनेक मिसाल कायम की है। यहां गांव की हर एक चुनौती का समाधान पंचायत की बैठक में होता है। पनगा पंचायत की आबादी 1937 है। इनमें 933 पुरुष और 1004 महिलाएं हैं। सामाजिक सुरक्षा के लिए यहां 395 लोगों का मनरेगा कार्ड बना और इन्हें रोजगार देने के प्रोजेक्ट्स पर करीब 20 लाख रुपए खर्च हुए। पनगा पंचायत ने गांव के सभी वर्गों की तरक्की के लिए विधायक निधि से 9,40,000 रुपए, राज्य आपदा निधि से 2,50,000 रुपए और 15वें वित्त आयोग से मिले 5,96,000 रुपए खर्च किए। वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले भी बढ़कर अब 208 लोग हैं और 39 महिलाएं विधवा पेंशन की हकदार हैं। 27 परिवारों को BPL कार्ड से और 74 घरों को PDS सुविधा से जोड़ा गया। सरकार ने हमारे लिए पेंशन बहुत बढ़िया है, हर बुजुर्ग के लिए सहायतामंद है और अपना जो भी खर्चा डॉक्टर के पास या शादी ब्याह में जाना हो, बच्चों से मांगना ठीक नहीं लगता है। पहले हम कमा लेते थे, अब हम कमा नहीं सकते हैं, तो अब फिर गवर्नमेंट ने हमारी सुविधा के लिए पेंशन लगाई है। अब तो काफ़ी फर्क पड़ गया ना, पहले तो हमारे पास पैसे नहीं होते थे, खाद नहीं होती थी, स्प्रे के लिए दवाई पैसा नहीं होता था, पेट्रोल लेने के लिए पैसा नहीं होता था। अब गवर्नमेंट हमारी सेवा कर रही है तो हमारे लिए फायदा ही हो रहा है कुछ। गाँव के विद्यार्थियों के लिए पनगा पंचायत ने करीब 6,00,000 रुपए से लाइब्रेरी बनाई है। यहाँ पर पढ़ने को शांत माहौल है, ये लाइब्रेरी मेरे घर के नज़दीक है जिससे कि मैं यहाँ पर कभी भी आ सकती हूँ। और ये टाइम का इशू नहीं है कोई, क्योंकि ये रात के 9 बजे तक खुली होती है, तो जब भी मैं घर में कभी फ्री होती हूँ तो फिर आ जाती हूँ मैं पढ़ने यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत अलग अलग किताबें भी है जिससे कि हमारा नॉलेज बढ़ सकता है। पनगा पंचायत में आज हर तरफ तरक्की दिखती है। यहां बच्चों से बूढ़ों तक सबको जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिला है। इनमें मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, मुख्यमंत्री सहारा योजना, बुढ़ापा पेंशन और पोषण अभियान तथा किसान सम्मान योजना खास है। सामाजिक सुरक्षा और जो सोशल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं जो विकासशील पंचायत कर सकती है, तो सारी सुविधाएं हम अपने पंचायत में दे रहे हैं और आगे भी देंगे। इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए एक गांव के अंदर क्या होना चाहिए वो हमने किया। हमने सबसे पहले तो सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक कैसे पहुँचे, इसलिए हमने ग्राम सभा में लोगों को बुलाया और ग्राम सभा में सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो लोगों के सामने रखी। BPL के जो लोग हैं खासकर उनको हमने मनरेगा में रोजगार दिया, तो लोग आज काफी अच्छा मनरेगा में कर रहे हैं यहाँ पे और अपनी आजीविका कमा रहे हैं। हिमाचल सरकार ने बीते 5 साल में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर हुए खर्च को 29.5% से बढ़ाकर करीब 34% तक पहुँचाया है। गांवों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के लिए ही सतत विकास 2030 का नारा है। लीविंग नो वन बिहाइंड, यानी कोई पीछे नहीं छूटे। सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में हिमाचल अग्रणी है, क्योंकि यहां पंचायत राज में सामाजिक सुरक्षा सर्वोपरि है। सामाजिक सुरक्षा में अग्रणी हिमाचल।